नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम के ठीक 5 बज चुका है और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 का प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल। और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिल्ली नगर निगम में एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ। पहले मेयर डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर के भारी हंगामा हुआ, हालांकि ये दोनों ही चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से करवा लिया गया। लेकिन वहीं हम आपको बता दें कि अस्थाई समिति चुनाव को लेकर के कल रात भर शाम से लेकर के जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी की जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन की बात आई, उसके बाद लगातार हंगामा होने लग गया। हम आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए और ऐसे में आम आदमी पार्टी की मेयर की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद को चुना गया। लेकिन आज सुबह ही जैसे ही हम सब उठे, पूरा देश उठा, दिल्ली भी जागी, उसके बाद जब हम सभी ने अपने अपने घरों में न्यूज चैनल ऑन किया, उसके बाद देखा कि दिल्ली कैसे शर्मसार हो रही है, दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ के पार्षद और नेता किस स्तर तक नीचे गिर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे बीजेपी के पार्षद आम आदमी पार्टी के पार्षद दिल्ली को शर्मसार करवा सकते हैं, ये देखने वाली बात थी। हम सब बहुत चक्के रह गए और हम सब देख रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या राजनीति इस कैटेगरी तक गिर सकती है, क्या राजनीति के सबसे खराब स्तर को इस वक्त दिल्ली झेल रही है। आज कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि दिल्ली जिसे राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर माना जाता है, वहां की राजनीति का स्तर इतना गिर गया। दिल्ली जहां सिंबल स्टेटस माना जाता है कि आप दिल्ली की जो राजनीति है वो एक सिंबल स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है, आप सोच नहीं सकते कि कल के मेयर के चुनाव में और डिप्टी मेयर के चुनाव में आपने देखा लगातार कैसे जनवरी के महीने से ही, क्योंकि दिसंबर में चुनाव हुआ था, और उसके बाद लगातार कैसे मेयर के चुनाव को लेकर के हंगामा होते रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कहा गया कि जल्दी से आप फाइनल कीजिए अपने मेयर उपमेयर जो आपके मेयर हैं और उप महापौर हैं उनके चुनाव को जल्दी जल्दी करवा लीजिए, और साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 मेंबर्स हैं उनका भी चुनाव आप करवा लीजिए। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे महापौर और उप महापौर के चुनाव के बाद जैसे ही समय आगे आगे बीता, वैसे ही दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी और साथ ही भाजपा के पार्षदों के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कहा जा रहा है कि स्थायी समिति चुनाव को लेकर के वोटिंग हो रही थी जिससे इस दौरान सदन में हंगामा शुरू हो गया। धीरे धीरे यह हंगामा इतना बड़ा हो गया कि पार्षदों में लात जूते चल गए। हम आपको बता दें, पानी पीने के लिए सभ्यता के साथ जिस बॉटल को दिया जाता है उस बॉटल को क्रैश करके एक दूसरे पर थ्रो किया गया, एक दूसरे को मारा गया, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के पार्षदों के ऊपर। और बीजेपी के जितने पार्षद हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी के पार्षद और साथ ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में आज हम इसी सवालों के जवाब लेंगे कि क्या जनता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा जाता है वो प्रतिनिधि जनता के सामने ये किस तरह का माहौल प्रस्तुत करते हैं, किस तरह की छवि पूरे देश को दे रहे हैं, और क्या ये भारत के लिए, भारत की राजनीति के लिए सबसे दोयम और निम्न दर्जे की राजनीति का वक्त हो चला है। इन सब सवालों के हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कल सुबह से लेकर के पूरी रात क्या कुछ चला है वो आपका देख लेना बहुत जरूरी है। कैसे आम आदमी पार्टी के पार्षद ने भाजपा के पार्षद पे हाथ उठाया वो भी आपका देखना जरूरी है। क्या कुछ हो रहा था एक एक करके वीडियो में आपको दिखाएंगे, देखिए समझिए, उसके बाद फिर हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे पर हाथापाई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और जोरदार हंगामा, ये तस्वीरें किसी गली मोहल्ले की नहीं है, ये तस्वीरें हैं दिल्ली में स्थित देश के सबसे बड़े नगर निगम के सदन की, जहां मेयर से लेकर अध्यक्ष और पार्षद सभी जोरदार हंगामे में शामिल हैं।
एक दूसरे को गाली देना और चप्पल जूते बरसाना इस सदन के लिए अब आम बात हो गई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में मेयर पद के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ था, जिसके बाद बुधवार को दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिला तो लगा कि अब सब कुछ ठीक से चलेगा। लेकिन एमसीडी के स्थायी समिति पर कब्जे की जंग को लेकर सदन एक बार फिर से अखाड़ा बन गया है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जो दिल्ली नगर निगम के अंदर हो रहे हंगामे को बयां कर रही हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों का चुनाव हो रहा था, जिसको लेकर बवाल हो रहा है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम की सबसे ताकतवर कमेटी है। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के पास फैसले लेने की शक्तियां काफी कम हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि लगभग सभी किस्म के आर्थिक और प्रशासनिक फैसले 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है और उसके बाद ही उन्हें सदन में पास करवाने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी काफी पावरफुल होती है और इसका चेयरमैन एक किस्म से एमसीडी का असली राजनीतिक हेड होता है। इस पावरफुल कमेटी के चुनाव को लेकर आधी रात से सदन में बवाल हो रहा है, तो वहीं बीजेपी और आप हंगामे के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहीं किसी बूथ पे वोट पड़ रहा हो और अचानक 100 लोग आए और वहां नारा लगाने लगे, कहने लगे कि साहब ये वोट जो अब तक पड़े इसको कैंसिल मानो और फिर से वोट कराओ, ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना। मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे, वो नहीं पच रहा इनको। तो मोटे मोटे तौर पर यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। कल मैं भी वोटिंग में शामिल था, महापौर के चुनाव में भी और उप महापौर के चुनाव में भी बड़ी शांति से चुनाव हुए। लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है, वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान सदन में हंगामा शुरू हुआ। ये हंगामा इतना बढ़ा कि आप और बीजेपी मेंबर्स ने मारपीट शुरू कर दी। इनमें पुरुष पार्षद भी थे और महिला पार्षद भी। दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए, बोतलें फेंकी और बैलेट बॉक्स पलट दिया। इस पूरे हंगामे को लेकर दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि बीजेपी के पार्षदों ने मुझ पर हमले की कोशिश की, ये बीजेपी की गुंडागर्दी की इंतहा है। जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की शुरुआत हुई, पूर्वक हो रहा था, उसके बाद सडनली जब 45-47 वोट डल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया और वो बेबुनियाद हंगामा था। मोबाइल फ़ोन का मुद्दा जानबूझकर उठाया गया, क्योंकि किसी भी एक्ट में, किसी भी रूल में ये नहीं लिखा गया कि वोटिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकता, बेशर्ते वो साइलेंट हो। तो जानबूझकर हंगामा किया गया। दिल्ली एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना और भारी मतों से विजयी बनाया। लेकिन जनता के इस फैसले का सदन में मखौल उड़ाया जा रहा है, जो कि काफी निराशाजनक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये हंगामा कब शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और साथ ही आपने देखा कैसे दिल्ली को शर्मसार करने वाली एक घटना, जो कि दिल्ली को चलाने वाले लोगों के द्वारा कल किया गया, उस पर आज हम बातचीत करने के लिए डिबेट पर हमारे साथ मौजूद है उमेश सहगल, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली से।
बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया में। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता है भाजपा के, हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। प्रवीण कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, स्वागत आपका। डॉक्टर ईशांत त्रिवेदी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार से है। आपके मेयर और डिप्टी मेयर बन गए थे, उसके बाद आम आदमी भाजपा वालों ने आरोप लगाए कि जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उनके लिए चुनाव होने शुरू हुए उसके बाद ही लगातार एक अजीब सा माहौल देखने को मिला, और साथ ही ये भी कहा गया कि पूरा का पूरा ये प्लांट था कि जैसे ही डिप्टी और जैसे ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा उसके बाद प्लांटेड तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को रोकने और साथ ही ये पूरा बवाल करने की एक योजना थी पहले से। प्रीति जी, हाँ, जिस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ वो सारे देश भर ने देखा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से जो एल्डरमैन होते हैं उनको वोट डलवाने की कोशिश करी और उनको पूरी तरीके से मुक्की खानी पड़ी। जब 3 सदन में इनके वोट नहीं हो पाए, इनके हंगामे, सदन रद्द हो गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव हुए और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई। मेयर और डिप्टी मेयर जो है दोनों आम आदमी पार्टी के चुन के आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा जो है इससे सामने आ जाता है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से उन्हें विपक्ष में बैठने का मौका दिया वो उसको पचा नहीं पा रही है कि वो सोच रहे हैं कि हम विपक्ष में कैसे आ सकते हैं, हमें तो सत्ता का नशा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है 15 साल में एमसीडी में रही है और 15 साल इसको एमसीडी में रहते हुए इतना सत्ता का नशा हुआ कि अपनी हार नहीं पचा पा रही है। लगातार किसी ना किसी तरीके से पहले हमने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हंगामा करने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली भाजपा के जो जनरल सेक्रेटरी, आपने अपनी बात इस पे रखी है, लेकिन दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं हर्ष मल्होत्रा, उनका कहना है कि मोबाइल फोन जो है वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई ऐसे पार्षद रहे जो मोबाइल लेकर वहां गए और मोबाइल के साथ थे, इस पर भी हमें आपत्ति थी, इसलिए हमने उसका विरोध किया, जबकि बीजेपी के किसी भी पार्षद के पास मोबाइल था नहीं। प्रीति जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही एलिगेशन लगाना, उनको तो कोई ना कोई अभी अभी हमने अभी 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 हमने अभी 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 हमने अभी अभी हमने आपकी जो नई नई मेयर बनी है उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि उनको मोबाइल ले जाने पर आपत्ति थी। ऐसा कहीं भी रूल में नहीं लिखा है कि आप बतौर पार्षद मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, अगर वो साइलेंट में है तो जब तो वो खुद ही मान रही हैं कि उनके कई सारे पार्षद मोबाइल लेकर अंदर गए थे, फिर आप एलिगेशन कैसे बोल सकते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मतलब ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद नया टॉपिक चाहिए। मैं आपको उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मोबाइल लेने की जरूरत प्रीति जी, वही मैं कह रहा हूँ, कहीं पे ऐसा रूल में नहीं लिखा कि मोबाइल नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर चलिए किसी पार्षद ने मोबाइल ले गया, मोबाइल ले जाने के बाद किसी भारतीय जनता पार्टी के कोई पार्षद थे या कोई भी सदन के नेता थे उन्होंने जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया। आम आदमी पार्टी के जो मेयर है, दिल्ली के मेयर जो है शैली जी ने उनका ऑब्जेक्शन थोड़ी देर बाद मान लिया, उनने कह दिया कि ठीक है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मोबाइल जो है डिसअलाउ है, कोई भी पार्षद जो है मोबाइल लेके नहीं ले जाएगा। उसके बाद फिर भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है लगातार हंगामा करते रहे, उसके बाद डेस्क पे चढ़ गए, मारपीट कर दी, शैली ओबेरॉय जी के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन थप्पड़ मारते तो आपके थप्पड़ मारते हुए तो आपके पार्षद नजर आए, बीजेपी के पार्षद को थप्पड़ मार दिया गया, बीजेपी के पार्षद को थप्पड़ मार दिया गया। नहीं नहीं, जो घटना हुई शर्मसार करने वाली है, चाहे आप हो या फिर भाजपा हो, अपनी तरफ से कितनी भी दलीलें दे दे, मैं कह रही हूँ जो हुआ है कल वो शर्मनाक है और दोनों ही पार्टियों को शर्म आनी चाहिए। जो कल हुआ है वो शर्मनाक है, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों पार्टियों को शर्म आनी चाहिए। आप कितनी भी दलीलें ले लें, अगर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था तो नहीं ले जाना चाहिए था, आप जीत कर आए हैं, बहुमत से आए, आपको भरोसा होना चाहिए था। प्रीति जी, जो कल हुआ वो बहुत दुखद है, वो नहीं होना चाहिए था,
बिल्कुल पूरी तरीके से जनता में लोगों के पास जो मैसेज जाता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग लोगों के बारे में सोचते नहीं है, यहाँ टीवी पर आप लोग सोचते कहाँ हैं। मैं कह रही हूँ जनता के प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर जा रहे हैं, बॉटल क्रश करके मारते नजर आए हैं टेलीविजन पे। सुन तो लीजिए प्रीति जी, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। जिस तरीके से लेकिन ये अराजकता उत्पन्न क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी अपनी हार नहीं पचा पा रही है। कभी आम आदमी पार्टी को मेयर चुनाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, इनको मुंह की खानी पड़ती है। उसके बाद जो है चुनाव होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में ये हंगामा मचा देते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जब ये मोबाइल पे हंगामा मचा देते हैं, उसके बाद जो है मोबाइल शुभेंदु शेखर हो जाता है, उसके बाद नई चीज ला देते हैं। उसके बाद शुभेंदु शेखर भाजपा के प्रवक्ता, देखिए प्रीति जी मैं आपके शुभेंदु शेखर भाजपा के प्रवक्ता, शुभेंदु शेखर अवस्थी भाजपा के प्रवक्ता, आपसे मेरा ये सवाल है सर कि आप लोग कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास विजुअल्स हैं उसमें नजर आया कि आप लोग आपके मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बने हैं, ये आप लोगों ने एक्सेप्ट कल तक नहीं किया था। आप लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि बीजेपी के कैंडिडेट्स मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बने। उसके बाद जो फोटेजेस आए हैं इलेक्शन स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को लेकर के, जिस तरीके से मारा मारी, टेबल फेंकना, पूरा ये जो पूरा विजुअल है, मैं कह रही हूँ हम लोग सुबह उठे और टीवी पे देखा, हम लोग खुद सदमे में आ गए सर। हम लोगों ने भी कभी इस तरह के विजुअल्स नहीं देखे थे। सुनिए प्रीति जी, मेरे को इतना समय दिया उनको तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। कल जब वोटिंग चालू हुई मेयर और डिप्टी मेयर की, तो मुकेश गोयल जी जो इनके नेता हैं उस सदन के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्रोटेम स्पीकर से कि मोबाइल फोन और पेन दोनों का प्रयोग के अलाउ नहीं करना चाहिए। किसने रिक्वेस्ट किया? मुकेश गोयल जी ने। किस पार्टी के नेता हैं? आम आदमी पार्टी के। और स्पीकर ने, प्रोटेम स्पीकर ने माना उस बात को और उन्होंने कहा कि हाँ मोबाइल फोन और पेन आप दोनों को जब वोटिंग करने के लिए अंदर लेके नहीं जाएंगे। बात चालू हो गई, मेयर का चुनाव हो गया और जब मेयर के चुनाव के बाद डिप्टी मेयर के चुनाव में भी मोबाइल अलाउ नहीं था, पर जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चालू हुआ उन्होंने मोबाइल और पेन दोनों को अलाउ किया। क्या हो रहा था कि इनको डर था संजय सिंह को कि इनके कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, तो जो इनके लोग थे वो अंदर जाते थे, वोट डालते समय अपना वीडियो बनाते थे या फोटो खींचते थे और उसके बाद संजय सिंह को भेजते थे। हमने इस चीज को ऑब्जेक्शन किया और इस ऑब्जेक्शन में जब उनकी चोरी पकड़ी गई, प्रवीण जी आप तो विधायक हो, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से वोटिंग होती है। यह आम आदमी पार्टी ने गुंडागर्दी फैला रखी है और इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने बताया कि इस तरीके से फोटो और वीडियोग्राफी हो रही है और संजय सिंह जी को भेजी जा रही है, उसके बाद आपकी जो मेयर थी, जो उस समय की पीठासीन अधिकारी थी, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और आप समझिए 11 बजे समय कम है, दो तीन मेहमान और 11 बजे की वोटिंग हुई है, 11 बजे की वोटिंग हुई है, सचिव दिल्ली कितने बजे किया है? 3:30 बजे। गुंडागर्दी कौन कर रहा है सर? रोमेश सहगल पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली, क्या आपको क्या लग रहा है सर? इस वक्त में ना तो भाजपा और आम आदमी पार्टी को, मैंने दोनों ही पार्टियों को सुना, दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, कौन कर रहा है गुंडागर्दी? हमें जो कैमरे पे दिखा उससे हम समझ रहे हैं कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। सर आपको क्या लग रहा है? आपने दिल्ली को बड़े करीब से देखा है, सचिव रहे हैं आप दिल्ली के सर। दिल्ली को करीब देखने से मतलब नहीं है कि अब इसमें हम जजमेंट दे दें गुंडागर्दी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आफ्टर ऑल जब लड़ाई होती है तो दोनों पार्टीज ही उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब किसने शुरू किया किसने ख़त्म किया वो कहना बहुत मुश्किल होता है कि आग पहले आई कि माचिस पहले आई, ये कहना बहुत मुश्किल है। बट पॉइंट इज़ कि ये होना नहीं चाहिए। ये पार्टीज को ये चाहिए है कि मीटिंग से पहले एक आपस में जो लीडर्स हैं इनके, एक मीटिंग कर लें, एक मीटिंग कर लें और उसमें एक फैसला कर लें कि हमने ये करना है। अब ये छोटा सा इशू है कि टेलीफोन अलाउ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब इसमें कोई इतना बड़ा हंगामा करने का इसके ऊपर मतलब नहीं है। अब इस टाइप की चीज़ें रूल बुक में नहीं लिखी होंगी कि मेयर का काम है, जो प्रिजाइड कर रहा है उसका काम है, वो डिसाइड करे कि इसको अलाउ करना है कि नहीं। अब देखिए जब इलेक्शन में जाते हैं आप, जनरल इलेक्शन में जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन मोबाइल फ़ोन नहीं अलाउ करती। सबको पहले पता होता है कि मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। तो अब अगली कम से कम मीटिंग से पहले इन इश्यूज़ के ऊपर पहले सारी पार्टीज़ को बैठ के, दोनों पार्टीज़ ही हैं इसमें, तीसरी पार्टी भी खैर कांग्रेस है, तो तीनों पार्टीज को बैठ के आपस में एक फैसला कर लेना चाहिए
कि अभी ये इशू एक मोबाइल फोन का उठ गया, लेकिन तो अभी हो गया ना सर, अभी फैसले की कोई बात नहीं, ऑलरेडी फैसला सर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, ये चलता ही रहेगा सर। मेरा सवाल है कि ऑलरेडी जब फैसला, आप देखिए ना, 6 जनवरी को बैठक होनी थी, चुनाव होना था, वो इस तरह से तीखी बातचीत हुई, टाल दिया गया। 24 जनवरी को फिर से डेट हुई, फिर से ये लोग मिले, इकट्ठा हुए, उसके बाद फिर से झगड़े वाली स्थिति हो गई, फिर टाल दिया गया। 6 फरवरी को फिर से सब एक साथ है, फिर बात नहीं बनी, फिर चुनाव नहीं हुआ। अंत में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 22 तारीख को बैठक हुई, उसके बाद फिर कल जैसा कि चुनाव हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, जब ऑर्डर दिया गया था उसके बाद, क्या शांतिपूर्ण तरीके से स्टैंडिंग जो मेंबर्स थे स्टैंडिंग कमेटी के, उसके उसका चुनाव नहीं किया जा सकता था? ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी सर कि दिल्ली के सामने कम से कम एक ऐसा हम एक आइडियल हम प्रेजेंट ना करें, एक दिल्ली की जो छवि है उसको दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट ना करें। जो यहाँ के विधायक भी, आपने कहा कि हमारे बीच प्रवीण कुमार जी बैठे हुए, खुद विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, किस तरह की छवि दिल्ली के लोगों के बीच गई है, क्या इसकी चिंता भी क्या ये नेता करते होंगे? नहीं, अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये इशू नहीं गया कि वहाँ सेल फोन अलाउ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उन्हें दो इशूज का डिसाइड किया, फिर मेयर के इलेक्शन का। उनका ये था कि एक जब मेयर की इलेक्शन हो जाएगी तो मेयर प्रिजाइड करेंगी या करेगा। मेयर जब प्रिजाइड कर रही हैं तो उनको उनकी डिसीजन माननी चाहिए, और चाहे कोई भी पार्टी हो, मेयर जो है वो पार्टी के ऊपर हो जाता है। तो मेयर की डिसीजन जो थी कि सेल फोन अलाउ करनी है ये नहीं करनी, ये मेयर पहले चाहती, क्यों नहीं मीटिंग कर लेती? मेयर मीटिंग कर ले लीडर्स, तीनों पार्टीज के लीडर्स के साथ मेयर मीटिंग कर लें, डिप्टी मेयर भी बैठ जाएं, अगर उसमें एक दो और मेयर लोगों को बैठाना है उनको भी बिठा लें, और पहले फैसला कर लें कि ये करना है हमने, ये नहीं करना, उसके बाद इलेक्शन करनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन भी जब इलेक्शन करती है तो सारी पार्टीज़ के साथ एक मीटिंग करती है, मीटिंग करके उनका जो वोटिंग प्रोसीजर वगैरह होता है सारा एक कंसेंसस बना लिया जाता है इस तरीके से। ठीक है सर, मैं आती डॉक्टर शांत त्रिवेदी, राजनीतिक विश्लेषक, क्या इस तरह की छवि कभी आपने दिल्ली के लिए सोची थी? इनकी पहले मीटिंग, दिल्ली की इतनी हाई प्रोफाइल एलीट क्लास की छवि है जो पूरे देश भर में है, और एक आइडियल स्टेट के तौर पर पूरा राज्य मानता है, पूरा देश मानता है। आप देखिए ऐसे एलीट क्लास वाले राज्य में इस तरह की घटना हो सकती है? आप सोचिए, जूते फेंके गए, बॉटल्स क्रश करके फेंके गए, थप्पड़ मार दिया गया आम आदमी पार्टी के पार्षद द्वारा बीजेपी के पार्षद को, क्या इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर हम चाहते हैं अपने इस डेमोक्रेसी वाले देश में? सबसे पहले तो जिस प्रकार से पूरा माहौल खड़ा हुआ है, ये एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण एक चुनाव बनाया गया, क्योंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन जिसको अब तक कोई हिला नहीं पा रहा था, और अचानक नई उभरी आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में गवर्नमेंट थी, लेकिन जो भी दिल्ली सरकार का जो काम था वो सब कुछ वो वहां पे पार्षदों के द्वारा होना था, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीडी। एमसीडी का पावर जिसके हाथ में है वही असली दिल्ली का जो कार्यकारी है उसको माना जाता था। अब जिस प्रकार से इस जंग में ये जंग बन गई, और जिस तरीके से आज हमने देखा, हमने मेयर के चुनाव के वक्त देखा, ये इन स्टैंडिंग कमेटी के लोगों के चुनाव के वक्त देखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दिल्ली को इस प्रकार की चीजें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन भाजपा को भी ये सोचना चाहिए कि उनके विधायक, उनके जो पार्षद है वो कम है, उनके नंबर्स कम है, तो स्टैंडिंग कमेटी में जिस तरीके से चुनाव होता है उसमें क्रॉस वोटिंग का भी डर रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्षद चुनाव नहीं करते, वोटिंग नहीं करते, इसमें सांसद करते हैं, विधायक करते हैं, एल्डरमैन करते हैं, पार्षद करते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार की गंदी राजनीति हमने पिछले कुछ दिनों में देखी कि किसी भी तरह से ये मेयर और उपमेयर का चुनाव रोका गया, तीन तीन बार टाला गया, इतने सारे लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को जाना पड़ा, दिल्ली की जनता ये डिजर्व नहीं करती। दिल्ली की जनता डिजर्व करती है कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को चुना है, उन लोगों का काम जिस तरीके से अटके थे, शायद इसीलिए उन्होंने भाजपा को इस बार वोटिंग नहीं दी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने दिल्ली के काम नहीं। लेकिन ईशान, जो सवाल है वो बड़े जायज है। कहा जा रहा है चुनाव के दौरान कुछ मेंबर्स मोबाइल लेकर आ गए थे, जिस पर भाजपा के जितने मेंबर्स थे उनको भारी आपत्ति थी। 47 वोट में नहीं बरती गई कोई भी सीक्रेसी, जो सीक्रेसी होती है, तकरीबन 47 वोट हुए थे उसमें सीक्रेसी बरती नहीं गई थी। बीजेपी पार्षदों ने, अगर लास्ट वोटिंग से कंपेयर करें, इसको हम लोग अगर लास्ट वोटिंग से कंपेयर करें, तो उस टाइम पे भी शायद मोबाइल अलाउ या नो अलाउ इस तरीके से कोई माहौल बना ही नहीं था। मोबाइल लोग लेके ही जाते थे, साइलेंट रख के जाते थे। तो इस चुनाव में भाजपा को एकदम से अचानक से क्यों आपत्ति हो गई?
ये सारी चीजें, क्योंकि इसमें भी एक डर था, क्रॉस वोटिंग का डर था, कुछ लोगों ने वीडियो भी लिए थे, ऐसा भी आया था, शायद आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने वीडियो लिए थे, अभी तो उन्होंने आया था, या बीजेपी के पार्षदों ने वीडियो लिए थे। अभी शुभेंदु जी ने कहा ये कि वीडियो लेकर के संजय सिंह को भेजा जा रहा था, इस पर भाजपा के लोगों को आपत्ति थी। शुभेंदु शेखर ने कहा कि वीडियो ले लेके संजय सिंह को भेजा जा रहा था, जो भी वोट कर रहा था। हाँ तो जब नहीं नहीं ये बहुत बड़ी बात है, सी ये बहुत बड़ी बात है, सदन के अंदर अगर इस तरह की बात हो रही है, वीडियो लेकर के किसी पर्टिकुलर आपके पार्टी के बड़े लीडर को भेजा जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर मेंटेन होती है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से जिया मंजरी, मैं आती हूँ आगे बात, जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, वीडियो लेकर के वीडियो भाजपा, अभी आपने शुभेंदु जी के सुना, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो भी अंदर चल रहा था उसका लगातार वीडियो बनाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के पार्षदों के द्वारा, और संजय सिंह को भेजा जा रहा था। सर्वप्रथम धन्यवाद प्रीति मुझे आमंत्रित करने के लिए। और देखिए ये जो तरीका है सदन के अंदर इस प्रकार से आचरण दिखाने का, ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है, क्योंकि अगर ये बात हो रही है कि मोबाइल फोन अंदर जाने चाहिए थे या नहीं जाने चाहिए थे, सपोज, तो मोबाइल फोन क्या पहले, इससे पहले कभी गए हैं अंदर वोटिंग के टाइम पे या नहीं गए हैं, ये चेक करने की बहुत आवश्यकता है अपने को। और अगर नहीं गए हैं तो इस बार ऐसी क्या खास बात हुई थी, ऐसी किसने ऐसे आदेश पारित किया था जिसके कहने पर मोबाइल फोन अलाउड किए गए अंदर, जिसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड किया गया अंदर, इस बात की किसने आदेश दिया था, कहां से इनको ऐसे मैंडेट आए थे, कहां से इनको ऐसे इंडिकेशन आए थे जिसके इंडिकेशन पे मेयर ने ये चीज अलाउ करी, ये सबसे पहला प्रश्न है। दूसरी बात की जैसा कि हमने पढ़ा देखा सुना उसके अनुसार बैलेट पेपर लेकर के दो दो घंटे के लिए लोग बाहर चले गए सदन से, क्या ये अलाउड है, क्या ये संवैधानिक है? ये बिल्कुल असंवैधानिक है। क्या बैलेट पेपर लेकर के बाहर चले जाइए, आप पिकनिक मनाने चले जाइए, खा पी बहुत कर जाइए, तो सवाल जी मंजरी पूछ रही है प्रवीण कुमार जी, बैलेट पेपर लेकर के दो दो घंटे तक पार्षद गायब रहे, ये कहां से संवैधानिक है सर? प्रीति जी पहले तो जिस तरीके से अभी शुभेंदु जी ने बोला और उसके पहले मैंने मनोज तिवारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने वीडियो बना के भेजी वोटिंग की। मैं आपके नेशनल चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, और गुजारिश भी करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई भी ऐसा वीडियो है तो यहाँ आपके चैनल के माध्यम से दिखाए। शुभेंदु मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण कुमार, विधायक आम आदमी पार्टी से। प्रवीण जी आप जवाब दे रहे थे, लेकिन जो सवाल निकल कर आ रहे हैं और जिस तरीके से कल हम सब ने देखा, उससे यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से ये मेयर एमसीडी के लिए मेयर, साथ ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो चुनाव होने थे उस पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी हावी होना चाह रही थी, ऐसा क्यों? नहीं बिल्कुल प्रीति जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमेशा जो है संविधान में विश्वास रखती है, और संविधान और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आप जो है वो तय समय सीमा के अंदर जो है उसी तारीख को सेम तारीख को जो है सारे चुनाव कराइए तीनों। हम तो संविधान में विश्वास रखते हैं, हम तो न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम तीनों इलेक्शन मेयर डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के करा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है शुभेंदु जी, जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो देखा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने वीडियो बना के जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को भेजे, संजय सिंह को भेजे, कौन सी वीडियो इनके पास, कौन सी फुटेज इनके पास, बताएंगे आपको, दिखाते झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, शुभेंदु जी कोई वीडियो नहीं है, प्रश्न मैंने आपसे पूछा प्रीति कि बैलेट पेपर बाहर लेकर के कैसे गए, हाँ इसका जवाब दीजिए, बैलेट पेपर लेकर के कैसे बाहर गए दो दो घंटे तक आपके पार्षद, ये कहाँ से संवैधानिक लगा आपको विधायक जी? प्रीति जी आम आदमी पार्टी का कोई भी पार्षद जो है कास्टिंग वोट इज अ वेरी प्राइवेट अफेयर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो थे उन्हें जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे ये कहीं से जायज नहीं है कि हम जीतने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, कहीं से जायज नहीं होगा। शुभेंदु जी बोलिए जल्दी से, मैं आती हूँ जिया मंजरी, शुभेंदु के लिए मैं आती हूँ, जिया मैं आती हूँ शुभेंदु जी, एक अकेले व्यक्ति को भेजा जाता है शुभेंदु जी, गुमराह कर रहे हैं प्रवीण जी, गुमराह कर रहे हैं। हाँ एक एक पार्षद की जो वैल्यू है वोट की वो 36 है, ये टोटल 250 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 36 आता है, हमारे पास 104 सीटें हैं जिसमें हम 3 सीटें पूरी बना सकते हैं,
और उसके लिए हमारे पास खाली तीसरी के लिए 3 वोट कम है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास वोट है इंडिपेंडेंट का और कांग्रेस का 1 वोट। इनके पास 4 सीट 134 में 4 सीट पूरा करने के लिए इनको 10 लोगों के नंबर चाहिए चौथी सीट के लिए। झगड़ा इसका है, आप समझ नहीं रहे हो प्रवीण जी, गोल गोल घुमा रहे हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं आपके पास वीडियो दिखाइए, आप यहाँ पर बताइए कि वीडियो दिखा दीजिए चैनल पे कि इस पार्षद ने व्हाट्सएप नंबर से वीडियो बना के भेजी थी। बात कर ये तरीका ठीक नहीं है आपका, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था। नहीं, अगर वीडियो बना करके भेजा गया प्रवीण जी तब तो ये गुंडागर्दी है, अगर वीडियो बना करके भेजा गया है तब तो ये गुंडागर्दी है और सदन के अंदर ये तो निंदनीय है, संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह झूठ बोल रही है, कोई वीडियो कोई फोटो नहीं लिया गया, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झूठ बोल रही है। नेता स्टैंडिंग कमेटी जिस तरीके से मेयर डिप्टी मेयर में आए हैं, नेता कमेटी में भी बुरी तरह से आने वाले, इसका डर भारतीय जनता पार्टी नेता सदन ने, इसका डर जो है भारतीय जनता पार्टी के पोल जो 15 साल के इन्होंने, अरे आप छोड़िए कहानी, आपके नेता सदन ने रिक्वेस्ट किया कि मोबाइल फोन नहीं ले जाना है तो फिर क्यों अलाउ किया डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद? पोल पट्टी जो है वो जनता के सामने खुल जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं शुभेंदु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि क्या अलाउ नहीं किया गया, तो एक बार फिर से जरा जनता को आप बताएं क्या कर। हाँ बोलिए। मुकेश गोयल ने, इनके नेता सदन ने रिक्वेस्ट किया प्रोटेम स्पीकर से कि मेयर और डिप्टी मेयर के किसी भी चुनाव में हमको पेन और मोबाइल फोन को ले जाना अलाउ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने नहीं किया, पर जैसे ही सैली ओपर आए मेयर बनी उन्होंने फोन को क्यों अलाउ किया, इसका जवाब दे दो आप। बहुत संगीन जवाब, बहुत संगीन सवाल है। मैं प्रीति जी मैं यही कह रहा हूँ, इनके पास शुभेंदु जी के पास कोई रिकॉर्ड है कि उस कि मेयर जो शैली ओबेरॉय जो है उन्होंने अलाउ किया? कोई रिकॉर्ड है? कोई सदन के, क्या वो सदन के सामने ऐसा कोई नोटिस पास हुआ कि हाँ फोन अलाउ है, फोन अलाउ है, ऐसा रिकॉर्डेड है? कहीं रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल है। किसी पार्षद ने फोन ले गया होगा जिसके ऊपर बात होता है, हमें पता भी नहीं फोन ले गया नहीं ले गया। जनता पार्टी ने फोन ले गया, भारतीय जनता पार्टी ने फोन ले गया, वीडियो बना दिया, झूठ बोलना जनता पार्टी की फेमस है। मैं तो कह रहा हूँ वीडियो बनाया तो जनता के सामने दिखाए, भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ने वीडियो बना के, आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी के पार्षद के ऊपर हाथ उठाते थप्पड़ लगाते नजर आए, उस पर क्या कहेंगे आप प्रवीण कुमार जी? उसके वीडियो हमारे पास है, उसके वीडियो हमारे पास है, उसके वीडियो आपके पास है या नहीं है पता नहीं, शुभेंदु जी के पास उसके वीडियो है या नहीं पता, हमारे पास उसके वीडियो है, बताइए क्या कहेंगे? वीडियो है सत्या शर्मा जी का, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, सत्या शर्मा जी का वीडियो है यहाँ पे देख लीजिए। पूरी तरीके से मेयर कैंडिडेट थी और मेयर कैंडिडेट का इस तरीके से व्यवहार जो है वो मेयर का जो चुनी हुई मेयर है उनके ऊपर शैली जी के ऊपर हमला कर रही है, पोडियम फेंक रही है, माइक तोड़ रही है, ये किस तरीके का पोडियम तोड़ना? वो तो हम लोगों ने देखा, थप्पड़ मारने के बारे में क्या कहेंगे आप? थप्पड़ मारने के बारे में क्या कहेंगे? मेरे पास जो वीडियो है उसकी मैं बात कर सकता हूँ, ये मेरे पास ये वीडियो है इसकी मैं बात वीडियो दिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी जो है, वीडियो दिखाया जाए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है अराजकता फैलाने के, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार ले, अपने आप सारे इलेक्शन हो जाएंगे। ईशान जी, ईशान त्रिवेदी, ईशान त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार मान ले, इसी में भलाई है सबकी। ईशान त्रिवेदी आप क्या कहेंगे? आप मुझे, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि हमने 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 सिर्फ यही पर्टिकुलर स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में हाथापाई या तकलीफ नहीं देखी। हमने जब से ये चुनाव उनकी प्रोसेस हुई है एमसीडी के इलेक्शन, जब से ये तनातनी, तब से तभी ये हंगामा देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं इतने सारे वीडियो। आप सोचिए कि सत्येंद्र जैन के ऊपर इतने सारे वीडियो, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर इतने सारे वीडियो, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एमसीडी इलेक्शन जीतने की कोशिश में। अब हो सकता है कि एक छोटी चीज है कि एमसीडी में एक स्टैंडिंग, क्योंकि जैसे कि अभी आप ही ने बोला था कि मेयर और उपमेयर के पास इतने सारे पावर्स नहीं होते, पावर्स होते स्टैंडिंग कमेटी के पास। अब वो स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी भी जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस टाइम पे बोल रहे थे कि भले ही आम आदमी पार्टी जीती हो मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी कितनी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, आप सोचिए कि भैया दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसमें आम आदमी पार्टी जीती है, आम आदमी पार्टी का मेयर बना है, उपमेयर बना, स्टैंडिंग कमेटी भी ऐसी बनाई है कि जिसमें आम आदमी पार्टी के निर्वाचित जवाब दीजिएगा। ईशान त्रिवेदी बड़े गंभीर सवाल पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली की जनता ने बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को चुना है तो ऐसे में फिर कोई भी शिकायत या सवाल की गुंजाइश नहीं बच जाती है? जिया मंजरी, देखिए
बहुमत के साथ आपको चुना है, लेकिन आप संवैधानिक अधिकारों का और नियमों का उल्लंघन थोड़ी ना कर सकते हैं संविधान संसद के अंदर। आप संसद के अंदर जो काम करें आप ये तो बताइए। आप मैं बार बार पूछ रही हूँ, मैंने दो प्रश्न पूछे, मैंने दो प्रश्न पूछे, आप जब बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे दो प्रश्न पूछ रही हूँ। सीधे बैलेट पेपर बाहर लेकर जाना किसने अलाउ किया, पहली बात। दूसरी बात कि इससे पहले क्या फोन अलाउड थे, कितने लोग वोटिंग के टाइम पे फोन लेके गए थे, तो इस बार किसने मैंडेट दिया, और आपके मेयर को कहां से फोन आया, किसने अलाउ किया कि वो अपने लीडर्स को अपने पार्षदों को फोन लेकर के जाने दे अंदर। मेरे प्रश्न ये हैं, आप ये बताइए, आप यहाँ मखौल उड़ाने आए हैं या आप सरकार बनाने आए हैं, ये जनता का सवाल है। मैं एक जनता की तरफ से आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। ईशान, ईशान मखौल उड़ाना चाहते हैं? ईशान, मखौल बनाना सरकार का काम है या फिर सरकार बनाना चाहते हैं आप? यार अराजकता फैला रहे हैं आप। जब आप संसद के अंदर आप शालीनता से नहीं रह सकते, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, तो आप पंजाब बनाएंगे दिल्ली को? मेरा सिर्फ मैडम से एक ही सवाल है कि क्या अब तक जो हुआ वो संवैधानिक था? मैंडेट लाने का मतलब ये नहीं होता कि संसद के अंदर आप फाटाफाई करेंगे। मैंडेट लाने का मतलब ये नहीं होता कि बैलेट पेपर के बाहर चले जाएंगे। वन मोर पॉइंट, संविधान की दुहाई देने की जरूरत पड़ गई। मेरी तो यही है कि जब आप सब लोग बोल रहे हो तो मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ, और मैं इसी प्रकार की शालीनता की अपेक्षा आपसे भी करती हूँ। मैं सिंपल प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं आम आदमी पार्टी सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं इतना तो बोलूंगा कि जो संवैधानिक वो पहले से लास्ट तक होना चाहिए था, सिर्फ बारी बारी जहाँ उमेश सहगल सर, उमेश सहगल से एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि सदन के अंदर जिस तरीके से जिया मंजरी ने सवाल उठाया कि जो एमसीडी में महापौर उप महापौर बनने के बाद सदन के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को सेटल नहीं कर पाई, मोबाइल वाले मामले पर घिर गई, साथ ही फोटोजेस क्लिक करके बाहर शेयर किए गए उस पर घिर गई, जब सदन के अंदर आप एक स्वस्थ और साथ ही रूल रेगुलेशन मानने वाला सदन नहीं दे सकते हैं, तो आप दिल्ली की जनता को रेगुलेट कैसे करेंगे सर? इसका सर कैसे देखते हैं आप इस सवाल को? ये तो भी एक मीटिंग है जिसमें इतना हंगामा हो रहा है, इसकी तो मीटिंग बजट मीटिंग भी होनी है और बहुत सारी मीटिंग्स आगे होनी हैं। अगर ये हंगामा ही होता रहा तो आपका पॉइंट ठीक है कि क्या काम होगा वहाँ। अब स्टैंडिंग कमेटी की मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये कंसेंसस के साथ काम करना चाहिए। 1% 2% की आपकी अगर मेजॉरिटी आ गई है, उससे आपकी 30-40 वोटें सीटें ज़्यादा आ गई हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि एक माइनॉरिटी को आप बिल्कुल ही क्रश कर देंगे। अगर आप एक मिलजुल के सारी एक काम करेंगे, ठीक है, मेजॉरिटी का काम है, मेजॉरिटी का काम अपना करेंगे, मेयर आपका बन गया, डिप्टी मेयर आपका बन गया, अब आपको सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। आफ्टरऑल हर काउंसलर अपनी अपनी जगह पे है, अपनी अपने उसकी वार्ड है, अपनी अपने उसका काम है। हर काउंसलर को कितने 3-4 करोड़ रुपये मिलेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, अब वो अपना काम कैसे करेगा अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहेगा। अब स्टैंडिंग कमेटी में की इम्पॉर्टेंट कमेटी है, उस इम्पॉर्टेंट कमेटी में क्योंकि कैलकुलेशन है कि इतने बंदे जीत सकते हैं, तो क्यों नहीं ये पहले फैसला कर लेते कि अब झगड़ा करने से छोड़ो, जितनी इनकी पार्टी का जितना रेशो बनता है इनको दे दो, इतना इनका दे दो और ख़त्म करो, इशू अपना होगा, इलेक्शन होगी, ख़त्म होगा। अब अगर आप ये चाहोगे कि मैं सातों के सातों मेरी पार्टी के हो जाएँ या सातों उनकी पार्टी के हो जाएँ, तो ये नहीं हो पाएगा। अब आपको अगर डर लगता है कि आपके आदमी डिफेंड कर जाएंगे, तो आप बाद में उनके इलेक्शन दीजिएगा। अब बाहर इलेक्शन वोटिंग पेपर बाहर ले जाना तो बहुत सीरियस बात है ना, मेयर को ये चेक करना चाहिए था, ये अलाउ थोड़ा करना चाहिए कि वोटिंग पेपर बाहर चले जाए। अब गए कि नहीं गए हम कह नहीं सकते हैं, तो अब मेयर को केयरफुल रहना चाहिए, मेयर को रन करना है, क्या चाहे इनका 2 महीने का ही है, आगे भी मेयर आएंगे, तो मेयर को क्या रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक वो फेयर पार्टी के ऊपर उठ के मेयर को काम करना चाहिए। मेयर को ये भूल जाना चाहिए है, अब वो थ्योरी में है ये मैं जो कह रहा हूँ थ्योरी में है, मगर ये भूल जाना चाहिए कि मैं सो एंड सो पार्टी की हूँ। तो उस जिस पार्टी की भी आप हैं, आपको फेयर डिसीजन लेनी चाहिए, अगर आप लेती रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक तरह से चलती रहेगी दिल्ली, जिस तरह पब्लिक चाहती है उस तरीके से चलेगी। अगर आप नहीं करते हैं
तो अब कम से कम मेयर को उठ जाना चाहिए अपनी पार्टी के उससे। मैं ये सवाल प्रवीण जी से लेना चाहूंगी जो आपने पूछा है, पब्लिक के प्रवीण जी से। बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल मैं ये लेना चाहूंगी प्रवीण जी से। अभी आपने सर को सुना जो कि पूर्व दिल्ली के सचिव भी रहे हैं हमारे साथ उमेश सहगल जी, उनका कहना है कि आपके पास जब डिप्टी जब आपके पास मेयर नहीं थी तब बात समझ में आती है, लेकिन दिल्ली को मेयर मिलने के बाद जो कि शैली ओबेरॉय है उसके बाद भी आपको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह के आरोप लगे हैं कि पार्षद बैलेट पेपर लेकर के दो दो घंटे तक बाहर नजर आए थे, तो उस समय आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के तौर पर वहां पर मौजूद नहीं थी, बल्कि पूरे दिल्ली के एमसीडी की मेयर के तौर पर आप वहां खड़ी थी और आपको ये चेक करना चाहिए था क्या सही में ऐसा हो रहा है। और अगर किसी भी भाजपा में कहती हूँ कोई भी एबीसीडी ने आप पर आरोप लगाया कि कोई मोबाइल लेके क्यों आया है, फोटो क्यों क्लिक कर रहा है, तो आपको कम से कम ये सोचना चाहिए था कि मैं आम आदमी पार्टी की मेयर तो मतलब उस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेयर तो मैं पूरी दिल्ली की हूँ, मुझे पूरा का पूरा सदन देखना है, तो कम से कम आपको ये बात तो सुननी चाहिए थी। बहुत सही कह रहे हैं सहगल साहब, इस पर क्या कहेंगे? इससे तो ये लगता है ना कि आप प्रो पार्टी ज्यादा सोच रहे हो, आप पूरी दिल्ली के रेगुलेशन के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। प्रीति जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके संविधान के हिसाब से काम करती है और संविधान के हिसाब से शैली जी ने डिप्टी मेयर का इलेक्शन कराया और बहुत शांति से डिप्टी मेयर का इलेक्शन हो गया, क्योंकि उसे पता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है डिप्टी मेयर के इलेक्शन में, क्योंकि वो शांति से अगर इलेक्शन होता तो हम यहाँ डिबेट कर ही नहीं होते, कर नहीं रहे होते। मैं डिप्टी मेयर के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। डिप्टी मेयर का इलेक्शन जो है बहुत शांति से हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का जैसे ही बारी हुई भारतीय जनता पार्टी लोगों ने हंगामा चालू कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि कोई हमारे पार्षद जो है वो वीडियो बना रहे थे। मैं तो तीसरी बार कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दिखा रहे हैं ना, कौन से पार्षद ने वीडियो बनाई है, कौन से पार्षद ने वीडियो भेजी है संजय सिंह को, नेता आम आदमी पार्टी के नेता को, ये वीडियो दिखाई भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा हुआ है क्या कि वोटिंग? मैं कह रही हूँ दिल्ली के मेयर का जो काम होता है, अगर स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में इतना बड़ा बवाल अंदर चल रहा था तो उस पूरे मामले को संभालना शैली ओबेरॉय का काम था, उसके बाद जो डिप्टी मेयर थे उनका काम था, तो आप कहीं ना कहीं वहां फेलियर दिखाई पड़े हैं, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। दिल्ली के रेगुलर अभी सदन के अंदर जब अब ये हाल है तो पूरी दिल्ली को कैसे संभालेंगे आप? सबको जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनको भगा थोड़े दीजिएगा कि सिर्फ हर जगह आम आदमी पार्टी के लोग ही दिखाई पड़ेंगे। प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके पार्षदों ने बदतमीजी की और गुंडाई की हद कर दी है। वो संजय सिंह जी की इलेक्शन कमीशन के साथ में भी खड़क हुई थी, जिस वहां से इनके जो मेयर कैंडिडेट है उन्होंने किस तरह पोडियम को तोड़ा, माइक को तोड़ा, बुरी तरीके से ऐसा गुस्सा निकाला जैसे कोई इनके जाति दुश्मनी हो, इस तरीके से उन्होंने गुस्सा निकाला, ऐसे माहौल में कैसे अगर वो जिद पे अड़ जाएंगे कि नहीं हम जो है सदन नहीं चलने देंगे, हम जो है वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने देंगे, अगर वो जिद पे अड़ जाएंगे तो चुनाव कैसे हो जाएगा? और आम आदमी पार्टी हमेशा संविधान के हिसाब से काम करती है। जिया मंजरी को बोलने दीजिए, जिया मंजरी को बोलने दीजिए, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। आप अभी यहाँ इतना चिल्ला रहे, सारे लोगों को आपने चुप करा दिया है, वहाँ क्या कर रहे होंगे? देखिए, संजय सिंह जी का जो चरित्र चित्रण रहा है 2017 दिल्ली में जब यू नो इलेक्शन कमीशन और बहुत सारी जगह पर उनका झगड़ा हुआ, 24 मई 2018 को जनकपुरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका झगड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन के लोगों से। मतलब उनके लगातार आप अगर जाएंगे हिस्ट्री में तो आप देखेंगे कि वो जब भी वोटिंग प्रोसेस होता है तो उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं और इसके लिखित मामले मौजूद हैं, तब लोग सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप बोलते हैं कि हमें धक्का देकर के सदन से बाहर निकाल दिया गया, तो क्या आपको ये बोला था कि पेपर आप बाहर लेकर चले जाइए, आप जाकर के दिखाइए, पूछ करके नाम लिख करके आइए, फिर आकर के आप अपनी वोटिंग करिए? आप प्रक्रिया को कैसे भंग कर सकते हैं? और पूर्व में क्या कभी ऐसा हुआ है कि मोबाइल लेकर के लोग अंदर गए हैं वोटिंग के टाइम पे? अगर हुआ है तो रेप्लिका होना चाहिए था, बट अगर नहीं हुआ है तो फिर ये नया रूल अचानक से कैसे आया? और अगर आया था तो विपक्ष को भी इस रूल के बारे में पता होना चाहिए था कि रूलिंग पार्टी मोबाइल फोन लेकर के अंदर आ रही है, साधारण सी बात है। तो आप सदन में अगर कोई भी नया काम कर रहे हैं तो आप बताएंगे तो सही कि आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन अंदर लाने का क्या औचित्य था और बैलेट पेपर लेकर बाहर जाने का क्या औचित्य था? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ले जा सकते हैं बैलेट पेपर, वो लेके गए होंगे
वो तो बदतमीज करने के लिए, गुंडाई करने के लिए फेमस है, वो लेके गए होंगे बैलेट पेपर। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कोई बैलेट पेपर लेके नहीं लिखित मामले भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन के साथ में बैलेट पेपर फाड़ के जो है मेयर के ऊपर फेंके, न्यूज पेपर की हेडलाइन वीडियो में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या वीडियो है, क्या एविडेंस है, दिखाते क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी नेशनल चैनल में बैठे, नेशनल चैनल के माध्यम से वोटिंग। ईशान कुछ कहना चाह रहे हैं, ईशान कुछ कहना चाह रहे हैं, ईशान त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, ईशान जल्दी से। मेरा ये सिर्फ यही कहना है कि अगर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में अच्छा काम किया होता तो शायद ये इतना बड़ा वो कांड ही नहीं होता और बीजेपी का ही मेयर होता, लेकिन ये नहीं हो पाया है। इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि अभी जो मैडम बोल रहे थे कि नहीं ये प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए, तो वो एलजी सर से लेके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों अगर ये किया होता बहुमत से आए हैं तो प्रक्रिया नहीं होती। ये जो पर्टिकुलर स्टैंडिंग कमेटी वाली जो घटना है वो घटना में मैं ऐसा समानना है ईशान जी, एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, एज अ आप दिल्ली में रहते हैं ईशान जी, अराजकता, मैं दिल्ली में काफी हद तक पढ़ा हुआ हूँ, मैंने दिल्ली की काफी चीजें देखी हैं। सहगल जी, सहगल जी, सहगल जी, आप दिल्ली में रहते हैं सहगल साहब, देखिए जो पंजाब का हाल है, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। सहगल साहब क्या आप दिल्ली में रहते हैं? मैंने दिल्ली में डॉक्टरी की पढ़ाई की है मैडम। सहगल साहब, हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रही हूँ एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, क्या आप किस तरह के सरकार को आप दिल्ली में देखना चाहते हैं सर? एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, इस वक्त आप पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली के, आप हटा दीजिए ये तमगा सर, आप एक आम आदमी हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, खाते हैं पीते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपका पूरा परिवार है, आप किस तरह की सरकार को देखना चाहेंगे दिल्ली में? कल जो हुआ है क्या उस तरह के, दोनों ही पार्टियों के लिए मैं कहती हूँ, क्या इस तरह के सरकारों को, इस तरह के लोगों को आप दिल्ली में अपने आसपास देखना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं ऐसे दिल्ली देखना चाहेंगे, हम वो दिल्ली देखना चाहेंगे जहां की हर आदमी, हर पार्टी का बंदा सिर्फ दिल्ली का सोचे और अपनी पार्टी वगैरह का सोचना भी तो जरूरी है बट वो बंद कर दे। सिर्फ दिल्ली की क्या बढ़ोतरी है, स्पेशली अगर आप स्टैंडिंग कमेटी में हैं, मेयर हैं, तो आपको पूरे दिल्ली के मालिक हैं, आप पूरे दिल्ली को देखना, उस दिल्ली को नहीं देखना जिसने आपको वोट दिया, ना उस दिल्ली को देखना है जिसने आपको वोट नहीं दिया, आपको सारे मिलजुल के, मैं तभी आपको कह रहा हूँ, स्पीकर भी ऐसा ही करते हैं लोकसभा में, सदन से पहले एक मीटिंग बुलाते हैं और ख़ास तौर पर उनको दोनों लीडर्स को बनाना चाहिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के तीनों लीडर्स को, उनसे पहले डिस्कशन करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो जो प्रॉब्लम्स हैं कि पेपर बाहर नहीं जा सकता या सेल फोन नहीं हो सकती, वो सारी पहले डिस्कस हो जाएंगी, उन पर फैसला हो जाएगा और ये सदन में हंगामा होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसमें अगर यहाँ वोटिंग पे वो है कि आपने 36 वोट देनी है तो आप सिंपल कैलकुलेशन से लगा सकते हैं कि इनके दो या तीन जीतेंगे, कितना मार्जिनल है, तो कम से कम दो तीन पे फैसला कर दीजिए, ख़त्म करिए उसको, इनके चार होंगे, इनको चार मिल जाने चाहिए, उनको दो मिलने हैं, उनको दो मिल जाए, तो अगर आप पहले इसको फैसला कर लेंगे तो सदन में ही हंगामा नहीं होगा। और आप ये सोचिए कि क्या सिग्नल जा रहा है दिल्ली को, बिल्कुल पाँच साल हम यही देखते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी दो महीने की बात है, दो महीने के बाद फिर मेयर की इलेक्शन होनी है, उसके बाद हर साल इलेक्शन होनी है, स्टैंडिंग कमेटी भी चेंज होती रहेगी, अभी वार्ड कमेटीज बननी हैं, वार्ड कमेटीज के भी इलेक्शन होगी, हर जगह अगर हंगामा ही होता रहेगा तो दिल्ली का क्या होगा, बिल्कुल सही, दिल्ली की सफाई का क्या होगा, ये जो इतने कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं इनका क्या होगा, बिल्कुल। तो सबको मिल के ये सोचना चाहिए है कि ये चाहे ये इश्यू पार्टी का नहीं है, बहुत सारी जगह पे तो इलेक्शन पार्टी के बेसिस पे होती नहीं, सिर्फ पर्सनैलिटीज के बेसिस पे होती है, चलो यहाँ पार्टी के बेसिस पे होती है, मगर पार्टी से ऊपर उठ जाना चाहिए सबको, बिल्कुल। अब मेरे लिए कहना आसान है, करना मुश्किल है, मैं मानता हूँ इस चीज को, फिर भी कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम पार्टी से ऊपर उठ के दिल्ली की बढ़ोतरी को देखें, दिल्ली के लिए काम करें, हमारे लिए ये पार्टी से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है, कम से कम मेयर और डिप्टी मेयर को ये रियलाइज करना चाहिए। अगर ये दोनों फाइनल कमेंट लेंगे हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक है प्रवीण कुमार जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। और साथ ही जैसा कि सहगल साहब ने कहा है कि तमाम जो लोग चुने गए हैं उनको पार्टी से ऊपर उठकर दिल बड़ा रखकर सोचने की जरूरत है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता
जिन्होंने आपको वोट देकर जिताया है, दिल्ली की जनता जिन्होंने आपको सर्वे सर्वा चुना है। मैं कह रही हूँ तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, आप इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन आपको अपनी जनता के बारे में सोचना होगा जिन्होंने आपको जितवाया है, जो चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हैं देश हमारे राज्य के लिए अच्छा करेंगे, कम से कम उनके लिए इस तरह के मैसेजेस दिल्ली के सदन से तो नहीं जाना चाहिए। प्रीति जी, आम आदमी पार्टी जो है वो संविधान में विश्वास रखती है और संविधान के हिसाब से काम करती है, और आम आदमी पार्टी ये भी चाहती है कि जिस तरह के हमेशा से हम चाहते थे कि मेयर के इलेक्शन टाइम से हो जाए, डिप्टी मेयर का टाइम से हो जाए, स्टैंडिंग कमेटी का टाइम से हो जाए, उसी तरीके से जो है, क्योंकि दिल्ली को कई दिनों से मेयर नहीं मिल पाया है, ये अपने आप में दिल्ली के काम रुकाने की साजिश है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है मेयर के इलेक्शन हुए, स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी मेयर के हुए, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले दिन से हंगामा मचा मचा के जो है इलेक्शन रुकवाने की कोशिश कर रही है, हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है जनता के सामने जो है बेनकाब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी फाइनल कमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार ले, वो मान ले कि दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है और एमसीडी से पूरी तरीके से उठा के बाहर कर दिया है, ये मान लेंगे उस दिन जो है पूरी तरीके से एमसीडी जो है शांति से चल जाएगी। उमेश सहगल फाइनल कमेंट, उमेश सहगल फाइनल कमेंट, इसी तरीके का उमेश सहगल फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट यही है कि पार्टी से ऊपर उठें, सारे संसद ये सोचें कि हम मिलजुल के दिल्ली का बढ़ाई करेंगे, दिल्ली की बढ़ोतरी के लिए हमने काम करना है। मेरा नहीं ख्याल है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसके अलावा कुछ सोचती है, बीजेपी सब यही चाहते हैं कि हम ये करें। अब ये उठाने के लिए काम करना है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी है मेयर की। अब मेयर क्योंकि चुनी गई हैं, उनका ये काम है कि सबसे पहले ये इंप्रेशन दें कि मैं तटस्थ हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं अपनी पार्टी से ऊपर उठ गई हूँ। अगर वो ये इंप्रेशन दे देंगी तो बाकी सबका बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा। जी हां मंजरी, फाइनल तो अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप सब मिलजुल के काम करेंगे ताकि दिल्ली की सफाई हो। जो मेयर होता है उसको प्रथम नागरिक कहते हैं, उनका व्यवहार पूरी दिल्ली का एक कह दीजिए कि एक गार्जियन वाला व्यवहार होना चाहिए। और मैं सीधे सीधे देखती हूँ कि सदन के अंदर अनुशासन बना के रखने में वो सिद्ध नहीं हो पाई है, वो फेल हो गई है। दूसरी बात कि ये जो संविधान का मखौल उड़ाया है और फिर कहना कि संविधान की हम रक्षा करते हैं और हम उसको मानते हुए सारी प्रक्रिया करना चाहते हैं, ये बहुत ही बड़ा मजाक है। ईशान त्रिवेदी अच्छा हुआ रेखा गुप्ता जी ने जिसकी उनका तो व्यवहार देख लिया है सारे ने वीडियो में। ईशान त्रिवेदी फाइनल कमेंट। ये मैं सहगल साहब की बात से सहमत हूँ, लेकिन साथ में ये तभी हो पाएगा जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ले, आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर्स को सपोर्ट करे। और मुझे तो लगता है अभी तक आप लोगों ने अपनी जीत स्वीकार नहीं की, मुझे तो लगता है अभी आप जो बार बार कह रहे हैं भाजपा ने जीत स्वीकार, भाजपा हार स्वीकार कर ले, क्या आप लोगों ने जीत स्वीकार की है अभी तक? जो बार बार भाजपा को कह रहे हो कि हार स्वीकार कर ले, बार बार बोल ले सर, पूरी दुनिया देख रही है जीत गए हो। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो सोचिए ना, आम आदमी पार्टी जीत स्वीकार करी थी, इसे सुप्रीम कोर्ट गई थी। ईशान बोलिए बोलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और साथ ही जनता के सवालों के जवाबों को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रखा। लेकिन इन सब के बीच बहुत भारी भरकम सवाल ये है कि क्या जनता के बीच इस तरह का मैसेज जो कल हमने सदन में, दिल्ली के सदन में देखा, जिस तरीके से मार पीट और लातम जूते जिस तरीके से चले, वो वाले फुटेजेस देखे, क्या जनता के प्रतिनिधि होने के नाते ये दायित्व बनता है कि आप कुर्सी पर बैठने के लिए कुछ भी कर जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। और साथ ही ये भी सोचने वाली बात है कि हम किस तरह के प्रतिनिधियों को चुन करके वहां तक पहुंचाते हैं, सोचिएगा जरूर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा, देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट्स शो इंडिया का सवाल।